नमस्कार, मैं हूँ यास्मी। हैरान करने वाली बात है, विवाद आमिर खान से शुरू हुआ था लेकिन ट्विटर पर ट्रेंड करने लगे एक्टर अक्षय कुमार। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आमिर खान ने टर्की यात्रा का प्लान बनाया पर लोग अक्षय कुमार का नाम घसीटने लगे। दरअसल आमिर के टर्की दौरे और वहां की फर्स्ट लेडी से मुलाकात को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। हर कोई आमिर के इस कदम से नाराज है। आलम यह है कि मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहे जाने वाले आमिर का नाम मिस्टर कॉन्ट्रोवर्शियल पड़ने लगा है। ऐसे में पूरे मामले को लेकर वरिष्ठ पत्रकार सबा नकवी आमिर के बचाव में उतर आई हैं। सबा नकवी के मुताबिक, शर्त लगा लीजिए, अगर अक्षय कुमार टर्की या कहीं दूसरी जगह शूट कर रहे होते और वहां के राष्ट्र अध्यक्ष से मुलाकात करते तो इस तरह की बहस ही नहीं होती। सबा नकवी के इस ट्वीट के बाद तमाम यूजर्स उन्हें नसीहत देने लगे। एक यूजर ने लिखा, आमिर की तरह अक्षय कभी असहिष्णुता का हिस्सा नहीं बने, जबकि आमिर और उनकी पत्नी को भारत में रहने से डर लगता है। एक और यूजर ने लिखा, अपनी इस सोच से भारत के लोगों की बेइज्जती मत करो। वहीं अगले यूजर के मुताबिक, आमिर और अक्षय की तुलना करना मतलब भारत और पाकिस्तान की तुलना करना है। आप देख सकते हैं कि आमिर ने टर्की के राष्ट्रपति की पत्नी से मुलाकात क्या की, लोगों ने उन्हें बुरी तरह से ट्रोल किया। ऐसे में पत्रकार सबा नकवी को आमिर के लिए समर्थन दिखाना भी लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। बहरहाल, सबा नकवी का आमिर का बचाव करना आपके हिसाब से कितना सही है, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं।